नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नाइन टीवी। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। आपके साथ में हूं पंकज रौतेला। आम लोगों की कमाई पर कैसे गिद्ध रूपी घपलेबाजों की नजर रहती है, इस पर बात होगी। ये घपले कैसे हुए, कौन करता है, किसे छिपा नहीं है। गरीब की खून पसीने की कमाई को लालच के सांचे में डाला जाता है और फिर कुछ सौदेबाज इस कमाई की मलाई को खाते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला। कभी चिटफंड के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा हो गया, कभी बाइक बोट के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगा गया, कभी आपको रातों रात मालामाल करने के नाम पर, कभी कमाई को दोगुना करने के नाम पर, कभी कुछ तो कभी कुछ। देहरादून में तो किट्टी के मकरजाल में कंगाल कर दिया लोगों को। ये गिद्ध रूपी घपलेबाज जनता को अपने झांसे में लेते हैं। आए दिन ऐसे खबरें सामने आती हैं, मामले सामने आते हैं, उस पर चर्चा होती है कि कंपनियां जालसाजी करके भोली भाली जनता को अपना शिकार बनाती हैं, उसको झांसा देकर फंसाती है कि वो उनकी रकम को 5 गुना 2 गुना 3 गुना कर देगी। इस लालच में जनता फंस भी जाती है, लोग फंस जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। इन सब के बीच संजय भाटी नाम याद होगा आपको, बाइक बोट फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी संजय भाटी। बाइक बोट कंपनी ने लोगों के साथ ठगी की, 1 साल में रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों से ही 62,000 करोड़ से निवेश करवाया। योजना निकाली ऐसी, जब लोगों ने योजना में निवेश किया और फायदा नहीं मिला तब जाकर कहीं निवेशकों की लोगों की नींद टूटी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन आज ही ऐसे कई लोग अपने आसपास देखे टटोले तो उनको मालूम चलेगा कि फर्जी तरीके से निवेश कराने के नाम पर, किट्टी के नाम पर, पैसा दोगुना करने के नाम पर कई लोग होंगे, कई कंपनियों के फोन आते होंगे, कई कंपनियों के विज्ञापन आपको देखने को मिलते होंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ऐसे ठग आपके आसपास किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं। बजाबता कई कंपनियां बेरोक टोक ऐसे कामों को अंजाम दे रही हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसी कंपनियों पर, ऐसे जालसाजों पर, ऐसे ठगों पर किसी की नजर नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि नजर कोई रखना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून भी है, लेकिन उस कानून का डर ऐसे लोगों को शायद नहीं है, इसलिए लिखना पड़ रहा है सपनों के शातिर शातिर सौदागर शहर शहर है जरा बच के। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको, 42,000 करोड़ का घोटाला, लाखों लोगों के सपनों की ठगी और पूरी घटना को अंजाम देने वाला एक शख्स संजय भाटी। इस सब के इर्द गिर्द घूमता है घोटालेबाजों का वो जाल, जिसमें आम तबके के लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई एक झटके में गवा देते हैं। करीब 42,000 करोड़ के घोटाले से जनता को ठगने वाले ये अकेले नहीं, बल्कि ऐसे कई घोटालेबाजों की एक फौज है जो सफेद कपड़ों में ठगी के काले धंधे को अंजाम देते हैं। आम लोगों से खुलेआम हुई इस तरह की लूट पर एक नजर भी डाल लीजिए। साल 2013 में 40,000 करोड़ का शारदा घोटाला हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 14 लाख लोगों को ठगा गया। साल 2002 में फर्जी स्टाम्प पेपर की मदद से 20,000 करोड़ का तेलगी घोटाला हुआ। साल 2001 में यूटीआई चेयरमैन और दो निवेशकों ने मिलकर घोटाला किया, 48,000 करोड़ का घोटाला। 1992 में हुए सिक्योरिटी घोटाले में बीएसई के शेयर खरीदने के लिए 4,000 करोड़ की रकम की हेराफेरी की गई। 1992 में ही इंडियन बैंक घोटाला हुआ, जिसमें बैंक से 13,000 करोड़ की रकम ली गई लेकिन लौटाई नहीं गई। ये तो महज नमूने हैं, ऐसे न जाने कितने मामले हैं जहां लोगों की कमाई पर घोटालेबाज गिद्धों की नजर रहती है और दूसरी तरफ नेता और पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों का खेल खेलते हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, घोटाला नहीं हुआ, तो छापे कहाँ का पड़ रहा है, और छापा जब पड़ रहा तो कुछ निकल भी नहीं रहा, कहीं पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो खाली ये हाथी के दांत दिखाने और खाने का। यहाँ जरूरत सावधान रहने की है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सरकार और तंत्र अपना काम सही तरह से करें। क्यों आखिर घोटालेबाज के फरार होने के बाद भी आंखें नहीं खुलती है? और आखिर कैसे घोटालेबाज लोगों की जेब लूटकर फरार हो जाते हैं, आज की बहस इसी बिंदु पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बात सपनों के शातिर सौदागरों की होगी,
इनका एक मकरजाल है और इसमें लोग फंस रहे हैं। मुनाफे के लालच में लोग अपनी जमा पूंजी गवा बैठते हैं, कई तो अपनी जीवन भर की कमाई लुटा चुके हैं। तो सावधान होने की जरूरत है, लेकिन देश में काम करने वाले तंत्र की नीति को लेकर सवाल होता है कि इस तरह की कंपनियां, इस तरह के लोग शहर शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हैं, बेधड़क तरीके से काम करते हैं, बैनर पोस्टर विज्ञापन चस्पा करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई कार्रवाई समय रहते उन पर नहीं होती। नींद तब टूटती है जब लाखों करोड़ का घोटाला सामने आता है, लोग दरवाजा खटखटाते हैं, साहब लूट गए हम। आज के सवाल क्या हैं? आनंद टीवी किन सवालों का जवाब जानना चाहता है, उनसे आपको पहले रूबरू करा रहे हैं। घोटालेबाजों पर कड़ा शिकंजा कब और कैसे ये शिकंजा कसा जाएगा, कौन कसेगा, घोटाला होने के बाद ही क्यों मिलती है जानकारी, उससे पहले जितनी भी एजेंसियां हैं क्या वो सोई रहती हैं, घोटाले पकड़ने में कहां हो रही है चूक, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या राजनीतिक शय में घोटाले की असल वजह यह है, क्योंकि कई बार इस तरह से संरक्षण की बात सामने आती है, घोटालेबाजों में क्यों नहीं है कानून का डर, इस देश में कानून भी है, तो कानून भी है और कानून अपग्रेड भी किया गया, नया कानून भी बना, 2019 की ही बात है, लेकिन उन सबके बावजूद जालसाज अपने काम को बेधड़क तरीके से बिना किसी डर के अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि अब तो गली गली में किट्टी के रूप में भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जहां किट्टी के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद लेकर कोई शख्स उसे भाग जाता है, ऐसा ही कुछ देहरादून में देखने को मिला था। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वो घोटालेबाज आज भी फरार है, शिकंजे में नहीं है, लोगों को पैसा मिला नहीं, लोग आज भी भटक रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा मिलता नहीं है। इसी पर आज हमारी बहस रहने वाली है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी हैं, विनोद सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, शकील चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पवन सोम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे, संजय मिश्रा जी आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, धर्मवीर चौधरी नेता बसपा हमारे साथ हैं और दिनेश यादव जी प्रवक्ता प्रसपा हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीने पसीने से अपनी कमाई को इकट्ठा कर एक बार के लिए वो सोचते हैं कि सपनों का घर होगा और गाड़ी होगी, इस तरह के सपने बुने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां, ऐसे लोग उन्हें टारगेट करते हैं। एके मिश्रा जी, आर्थिकी को नुकसान पहुंचता है और आर्थिक तौर पर जब एक परिवार, एक घर, एक बाप कह लीजिए, एक मुखिया कह लीजिए, वो कमजोर होता है, ऐसे लूट का शिकार होता है, तो उस समय सवाल होना जरूरी हो जाता है कि ऐसे लुटेरे हम सबके बीच में हैं, शहर में हैं, विज्ञापन के जरिए, फोन के जरिए, लेकिन जांच एजेंसियां तमाम जो बैठाई गई हैं, जो जो वॉच डॉग की भूमिका में हैं, वो लगता है गहरी नींद में हैं। देखिए, अगर आर्थिक घोटालों का या ये जो घोटालेबाजी होती है किसी भी तरीके से, कस्टमर को मिस इन्फॉर्म करके उनके पैसे को इन्वेस्ट करवाना, लेना और रिटर्न न देना जी, इसका इतिहास लगभग 300 BC से पहले से शुरू होता है, ये आज का नहीं है। सवाल यह है कि आप आज़ादी के बाद से ही देखिए तो घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले होते रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कॉरपोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप टोटल घोटालों की अगर आप वैल्यूएशन कीजिए तो अपने इंडिया की इकोनॉमी है $3 trillion, और जितने घोटाले हुए हैं सबको मिला दीजिए, जो नोन है अभी तक लिस्टेड है वो है $20 trillion। US की इकोनॉमी है $19 trillion, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में घोटाला कितना हुआ है, यानी अपने इकोनॉमी से जो अभी तक है 6-7 गुना, यानी $5 trillion की इकोनॉमी जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है उससे 4 गुना ज्यादा तो घोटाले हो चुके हैं। अब समझने की बात यह है कि हर साल घोटाले होते हैं और घोटालों के बाद भी इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, इसकी रोकथाम क्यों नहीं है, उसके पीछे दो रीजन है। पहला ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट रही हो प्रिवेंटिव मूड पे काम ही नहीं करती है, वो हमेशा करेक्टिव मूड पे काम करती है। प्रिवेंटिव मूड का मतलब यह है कि नियम कानून ऐसे बनाया जाए, सरकारी सिस्टम ऐसा चुस्त दुरुस्त हो कि घटना होने के पहले ही उसकी भनक लग जाए और उसको रोका जाए, ये होता ही नहीं है। घटना हो जाने के बाद FIR लिखी जाएगी, फिर कितने का घोटाला हुआ, फिर धरपकड़ होगा, धरपकड़ होने पे जेल हो जाएगी, लेकिन पैसे की रिकवरी नहीं होती है, नेट लॉस जिसको जो होना था वो हो जाता है। दूसरी कमी इसमें सबसे बड़ी ये है कि हम जैसे लोग, जो पब्लिक है जो इन्वेस्ट करती है, उनको क्या है कि देखिए, अब आप एक इंश्योरेंस का जब क्लेम खरीदते हैं, टर्म एंड कंडीशन देखिए, कोई आदमी पढ़ ही नहीं पाता है, छोटा छोटा, तो विज्ञापन जो कंपनियां देती हैं किसी भी स्कीम को लेकर के, गवर्नमेंट को इस पे और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसको मोटे अक्षरों में लिखवाएं और क्लियर कट उसको पढ़ा करके बताएं, ताकि जो बायर है जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक वो उसमें इन्वेस्ट ना करे।
ये रोकना हमें, ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, नहीं तो घोटाले होते रहे हैं। और खास बात यह है, हर साल आप देखेंगे नंबर, मतलब क्वांटिटी तो बढ़ रही है। अगर पिछले साल 5 घोटाले हुए तो अब की बार 7 होंगे, और रुपयों की जो उसमें जितना घोटाला हुआ उसकी भी क्वांटिटी बढ़ रही है। पिछले साल अगर 1 करोड़ का घोटाला हुआ तो अब की बार 2 करोड़ का, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को बहुत ही एक्टिव होकर प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी है, अदरवाइज गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी होता है घोटाला होने पे, एक पैरेलल व्यवस्था जन्म लेती है और उसके साथ साथ लोगों की जेब भी कतरी जाती है। जी, संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आंकड़े जब खोज रहा था डिबेट में आने से पहले, देश में लगभग 30,000 रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनियां हैं मुझे मिला है, हो सकता है ज्यादा कम थोड़ा हो सकती हैं, जबकि हजारों की संख्या ऐसी है जो गैर पंजीकृत कंपनियां हैं, उनकी संख्या तो कहीं नापी नहीं जा सकती। संदीप जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग कमाते हैं और कमाने के बाद फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। सवाल सरकारों को लेकर उठता है, सरकार की पॉलिसी को लेकर। कानून है और 2019 में ही नया कानून बना, लेकिन उन सबके बावजूद कानून का डर नहीं है, क्यों? नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं, ये बात आपकी सही है कि सरकार के पास अगर आप देखिए तो पैरामीटर्स इतने टाइट हैं कि अगर सरकार के पास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली हो तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से घोटाले कर ही नहीं सकता। दरअसल समस्या क्या है कि सरकार ने कहीं ना कहीं जहां जो आम जनता के बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ों को जानबूझ के फ्लेक्सिबल रखा है, वहां का ये लोग फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई भी इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है तो उसमें सबसे पहले आपको अप्रोच वो व्यक्ति करेगा जो आपका नज़दीक होगा, जो क्लोज होगा। दूसरी चीज़, सरकार के पास इन्फॉर्मेशन कब आती है? जब एक ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि नहीं हम शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ये तो हम सब कुछ अपना गवा बैठे। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि इस तरह का कोई भी आपको लुभावने वादे देता है कि हम आप सोना दीजिए हम आपको सुबह डबल करके दे देंगे, आप हमें रुपये दीजिए हम आपको एक हफ्ते में डबल कर देंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्कीम्स में सरकार बहुत एग्रेसिवली काम करती है, लेकिन सरकार की नज़र में आने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ काम करती हैं जी, प्रैक्टिकली वो जनता के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और सरकार ने उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पैरामीटर्स बनाए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका फायदा उठा के और कहीं ना कहीं बहुत बड़े घोटाले कर देते हैं। सरकार फिर भी अगर आप देखोगे डिमोनिटाइजेशन के बाद इस पर बहुत बड़े तौर पर लगाम लगी है, वरना इसके पहले तो और बड़े बड़े घोटाले होते थे। अब अगर देखिए तो सरकार बहुत अग्रेसिव है, अगर कहीं ना कहीं हालांकि इसमें अगर आप देखिए प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर राज्य सरकारों की पूर्णतया भागीदारी होती है कि इस तरह का कोई भी घोटाला है उस पर अग्रेसिवली कार्रवाई करे, और सरकार ने करती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन आने का जो समय है, 1 साल किसी कंपनी ने काम किया, सरकार को भी अगर जानकारी नहीं है, सिस्टम को भी जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। उसी तंत्र को लेकर तो सवाल सर मैंने आपसे पूछा था, आखिर क्यों तंत्र को ये जानकारी नहीं होती कि समाज के बीच में इस तरह का एक जहर घुल रहा है जो लोगों को लूट रहा है, उसकी पॉलिसी क्या है, रिजर्व बैंक का वो गाइडलाइन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? ये छापे तब पड़ते हैं जब कोई केस हो जाता है, जब लोग भागते हैं कि साहब लूट गए बर्बाद हो गए, इसी को लेकर तो सवाल कर रहा था। नहीं देखिए उसमें एक चीज मैं आपको ये बताऊं, यानी कमजोर मान रहे हैं आप? नहीं देखिए उसमें एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि ये लोग इतने सातिर होते हैं कि गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं इधर उधर उधर घुमा फिरा के पूरा करते हैं, लेकिन जब बाद में पोल खुलती है तो पता चलता है कि जो इन्होंने पैरामीटर्स दिखाए थे एक्चुअल में वो इनके थे ही नहीं, वो कहीं किसी और के थे। और वहां मतलब हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ छोटे लेवल पे क्लर्कों के साथ मिलीभगत हो या फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट्स का हो, उसमें कहीं ना कहीं लोग फायदा उठा ले जाते हैं। हल्का वर्जन हो गया सर, ये बहुत हल्का हो गया है। ये बहुत हल्का हो गया। देखिए हल्का वर्जन मैं आपको बता दूं, ये सब चीजों के लिए देखिए आरबीआई सब चीजों के लिए अप्रूवल नहीं देती, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास अप्रूवल लेके। एग्जांपल आप देखिए सहारा के ऊपर जो डंडा चला था जब सेबी में लिस्टेड हुई, तभी तो सहारा के ऊपर डंडा चला था और वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े के तौर पर कहीं ना कहीं साबित हुआ था। बाद में हालांकि सरकार के दबाव में और कोर्ट के दबाव में सहारा ने जो पैसा था वो जो उनके इन्वेस्टर्स थे उनको लौटाया, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा ने भी तो इसमें इस तरह की लेकिन इस तरह के घोटाले, एक तो वो घोटाले होते हैं जो बहुत बड़े बड़े घोटाले यूपीए सरकार के दौरान सामने आए, एक ये जो शहर शहर घोटाले हो रहे हैं जहां जनता लूट रही है, इन घोटालों पर नजर नहीं जाती। उन पर तो बहस संसद में हो जाती है, लेकिन ये विधानसभा में, ये गली में, पंचायत में, यहां पर भी बहस नहीं होती इन पर। देखिए इसके दो कारण है मूल। पहली बात तो जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, व्यवहारिक स्तर से ही सोचना पड़ेगा कि ये कहीं ऐसी ठगी वाली स्कीम तो नहीं है, उसको साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा। केवल लालच में, ये लालच में ऐसा करने में ऐसे लोग सफल होते हैं, तो उससे दूर रहना चाहिए। आपके दर्शकों को सलाह है आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए
ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ 2014 के बाद, खासकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, जब ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार शामिल होके जो उसकी जवाबदेही है, जो प्रशासनिक उसको सुदृढ़ीकरण करना है, चुनाव में आने के पहले तो लोगों को सपने दिखाते हैं हम विदेशों में काला धन भी ले आएंगे, जो अभी तक गया है सब वापस ले आएंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों से संगठित अपराध कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये लोग संगठित अपराध करते हैं, बैंकों में एनपीए बढ़ाने का काम करते हैं, बैड लोन देने का काम करते हैं, अभी महाराष्ट्र में पीएमसी का घोटाला आया, उसमें भी इनकी संलिप्तता, इनके विधायक सांसद इनके वरिष्ठ नेताओं की आई। तो देखिए, जब सरकार इस मॉडल पर काम करेगी, देश की जनता के हाथ में, देश के गरीब किसानों जो जरूरतमंद लोग हैं उनके हाथ में कुछ ना आए, एक पार्टी के हाथ में सारे साधन और संसाधन आए और उसको व्यक्तिगत हित में अपने पद का दुरुपयोग किया जाए, तो देश की जनता ऐसे ही ठगी महसूस की जाएगी। कहां गए बड़े बड़े वायदे? 50 दिन का समय लिया गया था आर्थिक सुधार के नाम पर, स्वर्ण युग आ जाएगा, ऐतिहासिक युग आ गया। मैं पूछता हूं 6 साल से क्यों नहीं जवाब देते हैं जी? और नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है नोटबंदी। नोटबंदी में कहां गया वो शख्स जो आपको याद होगा अहमदाबाद से, उसने साक्ष के साथ कहा था, पुलिस ने पकड़ा था कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जिस कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है उसमें नोटों की हजारों करोड़ की अदला बदली हुई, उसको गायब कर दिया गया। तो इस षड्यंत्रकारी, इस दमनकारी नीति से अगर सरकार चलेगी तो अंततः जनता ठगी ही महसूस करेगी। ये वही होगा जब रक्षक की भूमिका में आएंगे तो देश। बकौल विनोद, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा नोटबंदी भी घोटाला ही था, तो कुछ पैसा नोटबंदी में चला गया और बाकी जितना बचा हुआ था ऐसे जो लोग चिटफंड के नाम पर ऐसे स्कीम जो चलाते हैं वो लोग ले जाते हैं। संजय भाटी का जब जिक्र होता है तो एक सवाल मन में ये आता है कि इतने बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा फर्जी वाला, यूं ही तो नहीं हो रहा होगा। धर्मवीर जी देखिए, ये जब देश का रक्षक ही भक्षकों के साथ मिल जाएगा तो जनता तो ऐसे ठगी जाएगी जी। ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई ये तेलगी का घोटाला, सुब्रतो राय सहारा का घोटाला जी, ये अभी संजय भाटी का घोटाला जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका ये डिबेट बहुत अच्छी है और आम जनता के हित की है। कोई भी एक सर्टिफिकेट बगैर पटवारी एसडीएम को बन नहीं सकता, और कोई भी घोटाला जो होता है वो सरकार की नाक के नीचे अधिकारियों की मिली भगत के बिना हो नहीं सकता, चाहे वो बैंक का घोटाला हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे बाइक बोर्ड का हो, चाहे स्टाम्प का हो, किसी भी तरीके का घोटाला, ये सरकार की 100% जिम्मेदारी है। तो पॉलिटिकल कनेक्शन होता है ना, संजय भाटी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकाल ले। हाँ, मैं होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो, किसी भी सरकार के समय का हो, ये सरकारों का दायित्व है कि वो आम जनता को इस लूट से बचाएं। ये नहीं होता है लूट से बचाएं, सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्या बहन जी संजय भाटी को बचाती नहीं? बहन जी के साथ, बहन जी का तो खूब प्रचार किया उन्होंने। नहीं, बहन जी का कोई कार्यकर्ता नहीं है संजय भाटी, आप गलत कह रहे हैं। इतने बड़े बड़े बैनर लगे हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, इतने बड़े बड़े मंचों पर फोटो है उसकी, पास कोई साक्ष्य हो, कोई कार्यकर्ता नहीं। आपके पास कोई साक्ष्य हो तो बताइए, एक भी साक्ष्य। देखिए, साक्ष्य के साथ बात कीजिए। नहीं, और जब ईमानदार अधिकारी वैभव कृष्ण जैसे लोग ये कहेंगे कि बीजेपी की सरकार में जो अजय पाल शर्मा है वो 1 करोड़ रुपए देकर के एसपी बने हैं और डीएमओ की भी पोस्टिंग में दलाली ली जाएगी और सारा भ्रष्ट तंत्र जो है खड़ा हो जाएगा, तो जनता ऐसे ही लुटेगी, ऐसे ही पिटेगी और इस सिस्टम को बदलना और पड़ेगा। पैसा पूरा आनंद के खाते में जाएगा। जो संविधान का कानून में आनंद का पता होगा ना, आप कितने करोड़ के घोटाले में फंसे हैं संदीप जी, आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन के समय कितना जमा हुआ। अमित शाह जी, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दीजिए, आनंद के पास का पैसा कहां से आया? आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दीजिए, कौन सी ऐसी खेती की, कौन सा व्यापार किया तो रातों रात अरब पति का बीजेपी वाले और आम जनता ठगी गई। तो डीमोनेटाइजेशन आपने, अगर इस देश में सबसे ज्यादा सपना दिखाने वाले लोग हैं, पार्टी से ठगने वाले लोग हैं, नेता से ज्यादा फर्जी वाला आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फर्जी वाला आपकी पार्टी ने किया है, सबसे ज्यादा फर्जी वाला को पालने का काम आपकी सरकार ने किया है। आपकी सरकार का एग्जांपल है भाटी जी के, जिनको बहन जी ने संरक्षण दिया, जेपी जैसी कंपनियां जिनको बहन जी ने संरक्षण दिया और वेब ग्रुप जैसी कंपनियां जिन्हें बहन जी ने संरक्षण दिया, आज क्यों वेब ग्रुप चिंता पड़ता है तो कहती है भाई हम अपनी चीनी मिल वापस कर देंगे। आम आदमी लूट रहा है साहब, देखिए देखिए, संदीप द्विवेदी जी और धर्मवीर चौधरी जी, आम आदमी लूट रहा है जनाब, क्या दिखाना चाहते हो ये बताकर।
क्या दिखाना चाहते हैं? एक मिनट धर्मी जी, क्या दिखाना चाहते हैं कि आपकी सरकार में लूट गया, फलाने की सरकार में लूट गया? इस देश का हिंदुस्तानी लूटा है, एक गरीब लूटा है, एक आम आदमी लूटा है। आपको आपको गर्व होता है ये बताते हुए कि जनाब आपकी आपकी सरकार में लूटा? केस नहीं चल रहा है। अरे किसी की सरकार में लूटा हो, लूट तो गया ना। चले ठीक है, कौन है आप बताइए? बड़ी बात कौन है? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अनिल बाबा, बंगारू लक्ष्मण पैसे में पकड़ा गया। गणेश यादव हमारे साथ है, सुन रहे हैं और उंगली कैसे देखा? धर्म जी आपको शर्म नहीं आती? सुनिए 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 जनाब, सुन लीजिए, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। क्या बैंक घोटाला, क्या है पंडित चड्ढा से कनेक्ट? दाऊद का, दाऊद का क्या की बात करेंगे? इकबाल मिर्ची की कंपनी को आपने पैसा दिया, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, मुख्यमंत्री तो पड़ेगा जनाब, जांच कराएंगे। संदीप भाई कोई सी भी जांच नहीं हुई, संदीप भाई आपके श्रीकांत शर्मा उसमें इन्वॉल्व हो गया। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, दिनेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, प्रगति प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रवक्ता है। दिनेश यादव जी देखिए, आम आदमी की जेब पर डाका पड़ता है तो सियासी पार्टियों का रुख क्या होता है? भाई आपकी सरकार में हुआ, भाई उसकी सरकार में हुआ, ना जनता लूट गई। और आंकड़े बताने में गर्व महसूस करते हैं प्रवक्ता नेता इस देश के, दिनेश जी। नहीं देखिए, मेरा इतना कहना है, अभी बड़े भाई लोग तमाम भ्रष्टाचार की बातों को कहे, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 में जो सपने बेचे गए और उत्तर प्रदेश की जनता को जो 2017 में सपने बेचे गए, उसमें क्या हुआ? आपने उन भ्रष्टाचार को किया जो कंपनियों द्वारा किया गया। मैं उन भ्रष्टाचार के तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 की चुनाव जीत प्रचंड बहुमत से भाजपा पार्टी की सरकार बनी, तो इन्होंने दूसरे कैबिनेट की मीटिंग में ही एक आदेश पारित करने का काम किया कि क्लास थ्री और क्लास फोर में कोई परमानेंट भर्ती नहीं होगी और सारी भर्तियों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा। उसमें इन्होंने कितने कंपनियों को इन्वॉल्व किया और कहा कि वो छात्र वहाँ अभ्यर्थियों का चयन करके और उनको नियुक्त करेंगे जगह जगह पर विभागों में। उनमें हुआ क्या? एक अभ्यर्थी से 40,000 50,000 साझा बेरोजगारी के दौर में नौजवानों को ठगा गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मीटर लगाने के लिए इतनी कमीशनबाजी। चलिए ठीक है, आपके मुद्दे भी जनहित में हो सकते हैं दिनेश जी, लेकिन लेकिन आज आज थोड़ा मुद्दा इससे अलग है जनाब। थोड़ा सा आज मुद्दा इससे अलग है प्लीज। आप क्यों कामों को गिना रहे हो जिनको बढ़ावा आपके नेता देते थे? सोपाल जी आप कहिए ना कि यूपीपीएससी में क्या किया था? चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा वक्त सबको मिलना चाहिए, वरना आपको पता होगा लैपटॉप बांटने की लिस्ट कैसे चली थी। एक मिनट दिनेश जी, हो गया, मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा था, आप किसी और चीज पर बोल रहे हैं जी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन्होंने आउटसोर्सिंग के काम दे दिए, जिनके ऊपर खुदे गलत करने का आरोप लगा है और तमाम ठेका पट्टा और निजीकरण को लेकर तो सवाल बार बार हम भी उठाते हैं और कई डिबेट्स दिनेश जी हमने की हैं और आगे भी कोई ऐसी खबर आएगी तो हम जरूर डिबेट करेंगे, क्योंकि आज माहौल जिस तरह का है और उस पर चर्चा होनी जरूरी है और अच्छी चर्चा होनी चाहिए जनाब, अच्छी चर्चा होनी चाहिए जिससे अच्छा संदेश जाए। ये बीजेपी पवन अच्छी चर्चा नहीं करने देंगे भाई साहब। नहीं नहीं पवन जी होने नहीं देंगे, ये राजनीतिक कनेक्शन की जो बात कही ना उस पे जरा बताइएगा दर्शकों को। चौधरी जी थोड़ा सुन लीजिए, आपके पास आए हैं ना पवन जी, ऐसी कंपनियां बिना किसी सहारे के फल फूल नहीं सकती, ऐसा धोखाधड़ी का काम कर नहीं सकती जब तक संरक्षण ना हो। ठगी करके बैठा दिया आपको पवन जी, ठगी करके। महावीर जी हो गया सर प्लीज। अगर हम लोग देखें जी तो मैं आपको, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैं आपको एक थोड़े से कानूनी नजरिए से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से घोटाला एक्चुअल में है क्या। अगर हम लोग देखें, एक होता है आपका जो व्हाइट कॉलर जो फ्रॉड के कहा जाता है इसको, एक है जो पब्लिक इनलार्ज में होता है, तो व्हाइट कॉलर उस तरह के घोटाले हैं जिसमें जैसे कोई बड़ा राजनेता है अगर वो कोई ठगी कर लेता है और सरकार के पैसे को गबन कर लेता है जी। और अगर हम देखें पब्लिक इनलार्ज में कि वहाँ पर कोई फेक कंपनी बना करके, इन्वेस्टमेंट कंपनी बना करके और फेक योजना जो बिल्कुल भी आपके आरबीआई की गाइडलाइंस पे बिल्कुल नहीं जाती हैं जी, या जो सरकार के नॉर्म्स बनाए गए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन नॉर्म्स को वो कंप्लाइंस नहीं कर पाती हैं जी, लेकिन फिर भी वो उनको इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह से वहाँ पर रजिस्टर कराते हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो वो जो
उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट कंपनी को दर्ज कराते वक्त जो उन्होंने कानून जो बायलॉज उन्होंने वहां पर बताए थे दिखाए थे जी, वहां पब्लिक में जाते समय वो बदल जाते हैं जी, और पब्लिक को ये बताया जाता है कि अगर आप अपनी गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट करेंगे तो इसको हम लोग काफी अच्छा आपको रिटर्न देंगे जी। लेकिन मजे की बात यह है कि जब पब्लिक ये सारा काम कर रही होती है और इस तरह के प्रमोशंस कंपनियां कर रही होती हैं, तो कोई भी सरकार हो, वो बीजेपी की हो, वो कांग्रेस की हो, वो समाजवादी पार्टी की, या कोई अन्य सरकार भी, किसी भी राज्य में देख लीजिए आप, हर जगह पर हर सरकार में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो घोटालेबाज हैं वो सरकारों से नहीं डरते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है जी। लेकिन क्योंकि वो इतनी तत्परता से घोटाले कर रहे हैं, अगर आप देखिए तो एक थाना है, एक थाने के एरिया में अगर कहीं कोई कंपनी लिस्टेड है और वो इस तरह का फ्रॉड कर रही है तो क्या ये पब्लिक को नहीं पता? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो भी उसी एरिया में रहता है और उसको पता है कि साहब यहाँ पर एक कंसर्न कंपनी है जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चला रही है जी। तो वहां के जो दरोगा हैं, वहां के जो कप्तान हैं, या वहां के जो डीएम हैं, या वहां के जो जितने भी पॉलिटिकल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उनको पता नहीं चलता? सबको पता है, यही तो हम जानना चाहते हैं। पता होते हुए भी कार्रवाई नहीं होती, बाद में जब फ्रॉड हो जाता है, लोग जब चिल्लाते हुए आते हैं तब जाके कार्रवाई की बात। मैं उसी पे देहरादून वाला केस मुझे याद आता है सर, वहां पे किट्टी में लाखों रुपए इकट्ठा हो गए, एक शख्स उसको उसे खा गया और आज तक उससे तकरीबन एक डेढ़ साल हो गया। असल में पंकज भाई हो क्या रहा है, आज तक पकड़ा नहीं गया, पैसे नहीं मिले। करेक्ट, हो क्या रहा है पंकज भाई, के जिस तरह से ये सारे के सारे फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं जी, वो पब्लिक के अंदर के लोग हैं जी, बिल्कुल। और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारा जो पुलिस का पूरा सिस्टम है, ये उनको साथ लेके चलते हैं, ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है। अजय जी, मैं आपके पास कि जब तक वो पकड़े ना जाएं और पकड़ने के बाद उनको कुछ मिलीभगत करके उनको भगा ना दिया जाए। अजय शर्मा जी, वहां तो सिर्फ एक घोटाला होता है, यहाँ रिश्ते भी टूट जाते हैं, यहाँ ना जाने क्या क्या चीजें और हो जाती है इमोशनल तरीके से भी, क्योंकि कोई ना कोई आपके जानने वाला ही होता है जिसके भरोसे पर पैसा लगाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि कंपनियां कैसे फल फूल रही हैं। देखिए, अभी पवन सोम जी ने कैटेगराइज कर दिया कि किस तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या है या सरकारी तौर पर। और घोटाले तो जो है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से चलते चले आ रहे हैं जी, 1947 के बाद से लेकर आज तक चलते चले आ रहे हैं। और जो विकास प्राधिकरण, उन्हें ब्लैक डैन कहा जाता है, यानी भ्रष्टाचार की गुफा जहाँ पर ये सब कुछ होता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यदि ये घोटाले हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? इस घोटाले की जो सबसे बड़ी वजह है, जैसे अभी संदीप द्विवेदी ने कहा, वही चीज़ है कि नौकरशाही जो है, जो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे वो क्लर्क लेवल से शुरू होकर जो है ऊपर के लेवल तक चलती है, और वो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करके या मिली भगत करके जो है अपने ब्राइब लेकर इस काम को करती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार है कौन सी नहीं है। और जहाँ पर सरकार गवर्नेंस के रूप में होती है, मॉनिटरिंग बॉडी के रूप में होती है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार को फाइलों के थ्रू कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे छिपाया जा सकता है, कैसे फाइलें जो हैं दबी रहती हैं, छिपी रहती हैं। और यदि जांच के आदेश दिए जाते हैं, जैसे कि पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने जांच का आदेश दिए तो आग लग गई, या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है, चाहे वो बिजली घोटाला हो जो अभी जिसमें बहुत सारी चीज़ें उठी थी, बहुत विवाद हुआ, उसके बाद जो है यहाँ हम नोएडा की बात करें, यहाँ भी आग लग जाती है। तो घोटालों की जाँच की आदेश आते ही आग लगना एक बहुत एक आम सी बात हो गई है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सरकार दोषी है या वो सिस्टम दोषी है जो कि इसको पाल पोस रहा है, क्योंकि आदमी का इंटरेक्शन सीधे सीधे सिस्टम से होता है, सरकार से नहीं होता है। सरकार के पास तो अफसर है, वो समझाता है कि नहीं ये हुआ, ऐसे हुआ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था। तो हमें सिस्टम पे बात करनी पड़ेगी। सिस्टम इतना करप्टेड हो चुका है, उसके मुंह में इतना खून लग चुका है भ्रष्टाचार का, कि वो मानने के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे की पोल खोलने में देखते हैं, तुम्हारी सरकार में ये हुआ था, बीजेपी में ये हुआ, सपा में ये हुआ, बसपा में ये हुआ, कांग्रेस में ये हुआ। आज हम यदि घोटालों की लिस्ट निकालते हैं, चाहे वो चिटफंड घोटाला हो, चाहे वो सिंचाई घोटाला हो, चाहे शेयर बाजार घोटाला हो, चाहे बैंक घोटाला हो, चाहे पीएनबी घोटाला हो, चाहे हम इतने घोटालों की लिस्ट के मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, और आपको भी शायद याद होगा किस तरह के घोटालों की लिस्ट हमारे सामने है। तो आखिरकार घोटाले हो क्यों रहे? तो इसको जो पालने पोसने वाले हैं वो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, नौकरशाह। ग्रास रूट लेवल पर वो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता या नेता जो लोकल बॉडी पे काम करते हैं, जो सोचते हैं कि हमें जो है सत्ता की मलाई कैसे मिलेगी, मलाई जिसको वो जो है छोटे छोटे टेंडरों के माध्यम से या छोटे छोटे उनके माध्यम से वो लेने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई टेंडर भी नहीं निकलता, ऐसे मिल जाता है छोटे मोटे करके। तो उसी सिस्टम को हमें बदलने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक संजय भाटी की बात नहीं करूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग संजय भाटी हैं, बहुत सारे संजय भाटी हैं।
ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं है नौकरशाहों से भी मुलाकात वो मिला जुला मुलाकात और उसके बाद जो चीजें चलती हैं आगे, इतनी आसानी से कौन, इतनी बड़ी कंपनी उसका प्रचार भी कर रहा है, बड़े बड़े होल्डिंग लग जाते हैं, देखिए अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो सीए के पास आदमी जाता है, मुझे कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, एक जब वो अप्लाई करता है चाहे वो विकास प्राधिकरण में जाए या किसी भी डिपार्टमेंट में जाए किसी मंत्रालय में जाए, पेपर वर्क तो होता है ना, फाइल तो चलती है ना, वही सब कुछ खेल होता है, बाकी बात तो बाद में पहुंचती है। जी शकील चौधरी जी, मैं आपके पास अंत में इसलिए आ रहा हूं कि कुछ आंकड़ों का जिक्र करना जरूरी था, वो ये कि जब ये कहा गया कि ये पोंजी स्कीम के तहत जब सरकार ने खासकर मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 2014 से है, इसलिए सरकार ने जो आंकड़े लोकसभा में पेश किए वो जो मामले देखने में आए, बड़े मामले जिसमें बड़े जो कहते हैं ना आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े थे, 2013-14 में 66 मामले आए सरकार ने लोकसभा में बताया, 2014-15 में 11, 2015-16 में 12 और 16-18 में 111 मामले ऐसे आए जो बड़े मामले थे जिस पर चर्चा हुई जो सरकार तक पहुंचे होंगे। ये देखिए इस तरीके से हो रहा, साल दर साल मामले सामने आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरकारों तक मामले पहुंचते नहीं हैं, लेकिन तब पहुंचते हैं जब लुट जाती है जनता। देखिए 2019 में मोदी सरकार ने जो है कम से कम 6 लाख कंपनियों को जो है चिन्हित किया था और उनको जो है आदेश दिए थे, नीचे निचले स्तर के अधिकारियों को आदेश दिए थे कि इन फर्जी कंपनियों को तत्काल बंद किया जाए जो लिस्ट उनके पास आई थी, ठीक है। लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए ये जो काम करने वाले लोग हैं जो फर्जी स्कैम करते हैं घोटाले करते हैं इनके हाथ बहुत बड़े होते हैं, ये सरकारों की नज़रों से बचने के लिए रोज नित नए जो है अपना कहते हैं कि अपना जो है वेशभूषा बदल करके एक कंपनी बंद की तो दूसरी चालू कर दी, दूसरी कंपनी बंद कर दी तो तीसरी चालू कर दी। इन लोगों का जाल इतना है कि अगर ये रातों रात पैन कार्ड बनवाना चाहे ट्रेडमार्क लेना चाहे तो इन सब चीज़ों के लिए इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका सिस्टम बना हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक। पैन कार्ड बनवाने की क्या रिश्वत है, पहचान पत्र बनवाने की क्या रिश्वत है, ये ट्रेडमार्क लेने की क्या फीस है, सारी चीज़ें जो है उनकी एक अपनी मशीनरी काम करती है। और आपने देखा होगा अभी फिलहाल पिछले उसमें नीरव मोदी घोटाले में मुंबई की चाल के अंदर जो वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड थी, मुंबई की चाल में जो है एक आम आदमी थे उनके नाम से रजिस्टर्ड थी, उसमें जो है सीबीआई के और ईडी के हाथ पांव फूल गए थे कि करा जाए तो क्या करा जाए क्योंकि उनके अकाउंट में ना तो कुछ था और ना ऐसा कुछ मामला था। लेकिन जो फर्जी करने वाला काम है वो जो फर्जी काम करने वाले लोग हैं वो फर्जी काम करने से जो है कभी वो लोग इतने आतंकवादी, ये जो है आर्थिक आतंकवादी है, ये लोगों की कमाई गाड़ी कमाई को जो है डसने का काम करते हैं, हड़पने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है आए दिन नए विज्ञापन टीवी पे देखने को मिलेंगे एनजीओ के अंदर। देखिए मिश्रा जी, लेकिन अपना सवाल यह है कि जिस तरह के ये लोग घोटाले कर रहे हैं, हम घोटालों की चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनको चिन्हित किया जाए ना, क्योंकि एक आदमी का कंपनी रजिस्टर कराने जाता है सबसे पहले किसके पास जाता है, अगर कंपनी रजिस्टर कराने तो किसके पास जाता है, सरकार पकड़ेगा उनको, तो सही है मैं वही कह रहा हूँ, जब आदमी एक आदमी जाता है कंपनी रजिस्टर कराने तो किसके पास जाएगा, वो कौन सा अफसर है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा विभाग है, वहां जाके बात करें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, एक लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, एलएलपी कैसे बनती है, प्रोप्राइटरशिप कैसे बनती है, पैन कार्ड कौन बनाता है, इस तरह की चीजें कौन खोलता है, बैंक अकाउंट कौन खोलता है, उन विभागों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, बीजेपी वहां पर आप बैठ के जो है वहां पर आप बैठ के जो बाद में आप पॉलिटिकल जो है कीचड़ उछालते रहिए, बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, सपा जिम्मेदार है, बसपा जिम्मेदार है, एक दूसरे की पोल खोलने का तीसरा काम नहीं है, इतने सारे घोटाले हैं कि शर्म आनी चाहिए, एक दूसरे अब जब आप दूसरे में जो है मामले को भटकाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, जनता समझ नहीं पाती हुआ क्या, अरे सिस्टम पे बात कीजिए ना, सिस्टम पे बात कीजिए, कार्रवाई कैसे होगी इसके ऊपर, इसकी बात कीजिए आप, सरकार चला रहा है ये उसी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसे ही कहते रहिए, जनता को मैं बनाते रहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं दिनेश जी आपके पास आता हूँ, एक थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि जब आर्थिक आतंकवादी के तौर पर ऐसे लोगों को देखा जा रहा है तो ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि कैसे कैसे ये जो छोटे छोटी जगहों पर बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। तेलगी घोटाला साल 2002 में हुआ, 20,000 करोड़ का घोटाला था साहब, शारदा चिटफंड घोटाला सब जानते हैं, 2013 में 40,000 करोड़ रुपये का घोटाला था, सोसाइटी घोटाला 1992 में हुआ ये और 4,000 करोड़ का ये घोटाला था, इंडियन बैंक घोटाला 1992 में हुआ और ये 13,000 करोड़ का घोटाला था, यूटीआई घोटाला 48,000 करोड़ का ये घोटाला था, ये मतलब रह रहकर दिनेश जी ऐसे घोटाले सामने आते रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई लेकिन नई पार्टी की नीति भी कभी ऐसी नई नहीं दिखाई दी किसी भी चीज को लेकर,
उसी ढर्रे पर आप भी चल रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी चलती है, उसी ढर्रे पर आप चल रहे हैं बीजेपी चलती है, कांग्रेस चलती है, बसपा चलती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप तो बता देगा बीजेपी ने कोई सही काम किया नहीं जनता के हित में? ऐसी कंपनियों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जिसके नाम पर लोहिया लगा हो, उसने कभी आवाज उठाई कि राजनीतिक पार्टियां नहीं देख पाती क्या? जनाब कई राजनेता शिकार हो गए ऐसे लोगों के, काम देने के नाम पर, और देश के चौकीदार ने जिस तरीके से देश को लुटवाने का काम किया। देखिए सब केवल चौकीदार 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 कहने से डिबेट नहीं हो पाएगी। इनके नेता जो समाजवादी पार्टी से निकाले गए थे वो निकाले भी इसीलिए गए थे। देखिए मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, सबसे ज्यादा छवि इनके नेता की वजह से खराब हुई थी जी। क्या बात करते हैं, नहीं बात हम नहीं कर रहे हैं, बात प्रदेश की, पूरे प्रदेश की जनता कर रही है और पूरा प्रदेश जानता है कि क्यों आपके नेता को समाजवादी पार्टी ने भाग दिया था। मूलभूत प्रश्न है जी, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो यही होता रहेगा, मैं जानता हूँ ना, यहाँ सिर्फ शिवपाल यादव निकलेगा, घोटालेबाज और डॉन वगैरह थे, अल कपून वगैरह की हिस्ट्री अगर पढ़नी हो उसको सजा दिलवा दी थी एक नॉर्मल से टैक्स प्रोफेशनल ने, गवर्नमेंट ने एक टैक्स प्रोफेशनल को हायर किया था बहुत कम सैलरी पे, उसने प्रूफ करके कोर्ट में उसको सजा दिला दी थी, जबकि वो बहुत, गवर्नमेंट भी उससे पंगा लेने से यूएसए की डरती थी, ये कंडीशन थी उसकी। सवाल यहाँ पे है कि जो घोटाला करने वाले होते हैं वो विलफुली ये सारे जाल को बुनते हैं, उनके मन में पहले ही होता है। अब देखिए एज पर कंपनी एक्ट अगर आप देखेंगे है क्या, यहाँ पे कंपनी और डायरेक्टर दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है, घोटाला होगा तो कंपनी के ऊपर गाज गिरेगी, डायरेक्टर फ्री रहते हैं, वही डायरेक्टर दूसरी घोटालेबाज कंपनी दूसरे घोटाले के प्लान के साथ आ जाते हैं। अभी यहाँ पे होना ये चाहिए और गवर्नमेंट ने इसमें जो है एक्शन भी लिया है, नियम चेंज किया है कि ऐसे डायरेक्टर जो कल्पित होंगे, जो घोटालों में फंसे होंगे, इंक्लूडिंग सीए जो फंसे होंगे, उनको आगे बिजनेस नहीं किया जाएगा, उनको आगे कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनको रोका जाएगा। एक तो ये होना चाहिए, दूसरी चीज ये घोटाले इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, कुछ घोटाले तो जो अखबार में आ जाते हैं जी। अगर आप गोरे होने की क्रीम बेच रहे हो तो वो भी एक घोटाला है। घोटाले की डिफिनेशन एज पर लॉ ये है कि आप किसी से कोई कमिट करो और वो डिलीवर ना करो। देखिए है क्या, ये मार्केटिंग का एक मास्टर गेम होता है, आपको ऐसे सपने दिखाए जाएंगे, ऐसी चीजें बताई जाएंगी कि आप ये इतने पैसे दे दो आपको ये मिल जाएगा, रिटर्न आने में टाइम लगता है, तब तक वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पूरे इकट्ठे की हुई पैसे की गठरी बांध के फरार हो जाते हैं, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी के ऊपर केस चलता है, वही डायरेक्टर दूसरी कंपनी खोल के फिर नया घोटाला शुरू कर देता है। तो लॉ को चेंज करने की जरूरत है, ऐसे कल्पित डायरेक्टर प्रोफेशनल्स एक बार जो जिनके ऊपर ऐसे केस चले उनको बिजनेस की दुनिया से अलग रखा जाए, उनको बिजनेस की कोई भी प्रैक्टिस करने की, कंपनी खोलने की उनको इजाजत ना हो, पहली चीज ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए। दूसरी चीज ये होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक छोटा सा टैक्स प्रोफेशनल उसने इतने बड़े डॉन को जेल के अंदर यूएसए में पहुंचा दिया। सरकारी सिस्टम का जो है, जब इनको कोई घोटाला मिलता है ना सरकारी सिस्टम में जो भी है मंत्री से लेकर संतरी तक, वो उनके लिए इनकम की अपॉर्चुनिटी हो जाती है, वो मांडोली करने लगते हैं, वो मोल भाव करने लगते हैं, भाई इतना तूने कमाया इतना मुझे दे, फाइल चल रही है, फाइल कभी ओपन ही नहीं होगी, केस चल रही है केस कभी। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आप देखिए, इसको पार्टी से मत जोड़िएगा, भोपाल गैस कांड हुआ था, उसका एमडी एंडरसन कितने आसानी से भाग गया, हम लोगों को परवाह ही नहीं है, हजारों लोग मर गए। ऐसी गलतियां सरकार और उसके जो मुलाजिम है जब अपने दायित्व से हट जाते हैं, एंडरसन का वकील कौन था ये भी याद होगा, या तो हिस्सेदारी ले लेते हैं, एंडरसन का वकील कौन था ये भी याद होगा, नहीं अब वो कोई भी हो, मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको राजनीतिक पार्टी में मत लेकर जाइए, अपने आप जुड़ जाता है साहब, मैं आपको अपने आप जुड़ जाता है कि आप जो कह रहे हैं ना, दिनेश जी की एक बात सुन ले, हाँ सर जल्दी, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े घोटालों की बात तो हो रही है जी, लेकिन उन घोटालों की भी बात कर लेनी चाहिए हम लोगों को जी, जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार या कोई भी सरकार और अधिकारी संलिप्त है। यूपीपीएससी के घोटाले की बात कर ले, जहाँ शिवपाल यादव जी के घर से लिस्ट बन के जाती थी, उसका भी जिक्र ना करें, यूपीपीएससी घोटाला क्या था आपको याद होगा, आपके पापों की वजह से प्रदेश सरकार नहीं भर्ती आप तक नहीं कर पा रही है, एक में इतना ज्यादा आपके पाप आज तक घुसे हुए हैं, आप तो भर्ती वालों को घोटालों को बात ही मत करिए, प्रदेश को उत्तर प्रदेश को जंगल बनाने का काम आपके नेताओं ने किया था, और आप इसमें क्या टिप्पणी देंगे, आपने मीटर लगाने में धाजी की, शौचालय में घोटाला कर लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनपद में ही, किस तरह का आपने घोटाला किया, अरे कौन से आधारहीन बातों की
बात कर रहे हैं, कितने घोटाले आपने बता दीजिए सामने आ गए, या आपसे अपने घर में जो घोटाले करते रहे उन्हीं की बातें करेंगे। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहले ये बात सही थी कि फर्जीवाड़े बहुत बड़े तौर पर होते थे, क्योंकि पहले सरकार के परिमिटर्स में जो पैन कार्ड की बेस में जो आइडेंटिटी प्रूव होती थी डायरेक्टर्स की, तो मोस्टली लोग क्या करते थे कि पैन कार्ड दूसरा बनवा लेते थे। अभी जो नए लॉज आए हैं उसमें क्लियर कट सरकार ने किया है कि कोई भी कंपनी और उसमें जितने भी डायरेक्टर्स होंगे और डायरेक्टर्स के साथ साथ अगर उनके रिलेटिव भी हैं, दिनेश का यूआईडी और पैन कार्ड, बड़े माफी के साथ कह रहा हूं, किसी सरकार को लेकर बात नहीं कर रहा जाता है। देखिए डिबेट का मकसद कि सरकार से नहीं है, आप बताइए ना, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मैं कह दूं, जब आप सुनिए दिनेश जी प्लीज 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 सर, जब समाजवादी पार्टी के साथ प्रसपा भी थी, शिवपाल यादव भी थे, उस दौरान भी ऐसी कंपनियां फल फूल रही थी, बन रही थी। अरे जिनको ब्लैकलिस्ट किया हमने उनको अपने कार्यकाल में, जो अच्छा आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसके बाद दूसरे फिर से हो गए, उनको उनके उनके और फूले फलने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अवसर दिया उनको। चले ठीक 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 अगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो इस सरकार ने तीन साल में कितने को सजा देने का काम किया, कितने के खिलाफ कार्रवाई किया जी, आप अपने आंकड़े निकाल के रखिएगा और द्विवेदी जी अपने आंकड़े लेकर आएंगे, एक दिन प्योर बहस करेंगे इसी पर। विनोद जी प्लीज, देखिए पंकज जी सोल्यूशन की तरफ हमें सार्थक बहस के माध्यम से नहीं, ये कानून की बात देखिए मिश्रा, अभी मिश्रा जी ने कही थी और 2019 में मैं अभी जब देख रहा था तो सरकार ने जुलाई 2019 में पारित किया था एक विधेयक और राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए कहा था पौजी स्कीमों के खिलाफ। ये इसमें ना एक बात गलत है जो अभी मिश्रा साहब कह रहे थे ना कि भाई जैसे आपका कोई ये अपना क्रीम बनाने वाली कंपनी है वो कहती है साहब गोरा कर देंगे आपको, पैसा लेती है जी, तो आप ये भी समझिए कि प्रोडक्ट आपने एक मार्केट में उतारा और प्रोडक्ट जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे पा रहा है जी। तो ये जो मामला है ये थोड़ा अलग है, इसे घोटाला नहीं कहते हैं इसे। अच्छा। क्योंकि घोटाला होने के लिए कानून में एक टर्म होती है, जैसे आपने कहीं किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, आपने आपने बोला कि साहब मैं आपको 50 रुपये लूंगा और आपसे आपको जो है 100 रुपये दूंगा एक महीने के बाद में, ठीक है जी। लेकिन आप ये देखिए कि जो मैंने आपको ऑफर दिया और आपने जो उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्या वो लॉफुल था? अगर वो लॉफुल नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। अगर आप बनाते हैं उस पे जो डिटेल भी रहती है वो भी एक एग्रीमेंट होता है। मैं वही बताना चाह रहा था आपसे कि कानून की नजर में ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं है, ये सर्विसेज में कमी है, ये आपकी मैं बता रहा था कि कानून की नजर में ये घोटाला वैसे नहीं कहा जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि पब्लिक जो है वो भड़क जाएगी, 420 रॉन्ग कमिटमेंट भाई साहब, वो पब्लिक करेक्ट 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 देश का पैसा विनोद जी, क्योंकि पब्लिक ना भड़क जाएगी वो एक्चुअली। कुछ लोग लूट कर विदेश भाग जाते हैं उनको हम वैसे नहीं पकड़ पाते, जो लोग इस देश में पैसा अपना बचाए रखते हैं उनको ऐसी कंपनियां लूट लेती हैं, और उन सबके बावजूद भी हम टोपी इस पार्टी के सर से उस पार्टी के सर में, उसकी सरकार इसकी सरकार करते हैं। ऐसा कोई ठोस फैसला या ऐसा कोई ठोस विचार हमारे मन में नहीं आता कि कैसे ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाई जाए। मोदी जी ने काम किया, उन्होंने कुछ फ्रॉड कंपनियों को चिन्हित किया, लेकिन क्या गारंटी कि भेजने वाला डेटा भेजने वाला वही नौकरशाह था, वही नौकरशाह था जो नौकरशाह उन लोगों के बीच में है। देखिए इस तरीके के आर्थिक भ्रष्टाचार आर्थिक स्कैम से सबसे ज़्यादा अगर रोकथाम करने की आवश्यकता है तो सरकार को नियत और नैतिकता एकदम साफ रखनी पड़ेगी और इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। आर्थिक सुधार के फैसले बड़े समय से और ऊर्जा लग से और बुद्धिमानी से होते हैं। 2014 के बाद मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहता हूं, वैश्विक प्रमाण के साथ, हर इंडेक्स के साथ, ये सरकार लापरवाह रही है। इस सरकार को डील करना आता ही नहीं है, ये तंगदिली परेशानी नहीं था। मैं बता रहा हूँ, कहीं ब्लैक मनी छिपा के कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को मैं आपकी ना समझे बता रहा हूँ, मैं आपकी ना समझी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको शादी बता रहा हूँ। अंडर द टेबल कमीशन लेके आपको नहीं आता है करना, जिस तरीके आप गलत कर रहे हैं।
आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप बताइए रॉबर्ट किसका खरीद के डीएलएफ गवर्नमेंट के नियमों में ढील दे दी ताकि घोटाला हो। जेल इसलिए नहीं भेज रहे किसकी चल रही है आपको बता रहा हूँ चोरी चल रही है सरकार लाचार है कि चाहता है एक मिनट विनोद को बोलना हरवी चौधरी जी प्लीज सर संदीप जी आप ही रहे थोड़ा सा एक मिनट दे दीजिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं विनोद जी से सवाल है मेरा एक सवाल ही है बहुत महत्वपूर्ण छूट जाएगा मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आ रहे हैं उन्होंने ट्वीट करके सवाल पूछा उन पर होने वाले खर्च को लेकर ये पैसा कहां से किधर से आप इंतजाम करेंगे। लेकिन ऐसी कंपनियों के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के बड़े पदाधिकारी कभी कोई ट्वीट नहीं करते कभी कोई आंदोलन नहीं करते कभी कोई सरकार पर दबाव बनाने का काम नहीं करते क्यों? देखिए अच्छी बात है आपकी नजर है आर्थिक तौर पर कितना नुकसान कितना फायदा हो रहा है ऐसे लोगों पर भी तो नजर रखिए। मुझे एक मिनट का समय दीजिए बिल्कुल जल्दी कोई बोले नहीं मैंने किसी के बीच में नहीं बोलता। देखिए प्रियंका जी की चिंता क्या है प्रियंका जी की चिंता ये ट्रंप आइए आप सर पैसे खर्च करिए लेकिन आप भारत की गरीबी को दूर करने के लिए आपके पास क्या उपाय है उस नीति के साथ देश को आगे बढ़ाइए। सुनिए आप गरीबी को छुपाने का काम कर रहे हैं आडंबर कर रहे हैं और दूसरी बात आरबीआई 60 साल में घोटाला पे घोटाला की कांग्रेस ने और एक कांग्रेस का फेलियर था जो मनुवादी सरकार बनी जो मोदी जी की सरकार थी ये कांग्रेस ने तो ये राय लेंगे नहीं सरकार धराशाही से फिर आ गए सुधार नहीं हो पाए घोटाले को यही हमारी क्षमता है पैर छू के मनाइए संदीप उस मनुवाद की बात कर रहे हैं आप जी। क्या आपने पार्टी की विचारधारा भूल गए क्या बहन जी के आदेश को भूल गए आप कौन से मनुवाद की बात कर रहे हैं? पत्रकार की सहनशीलता होती है कि वो बोलता नहीं है। एक मिनट और जब वेनसांग इंडिया आया था उसका झोला गिर गया था अरे आज का है आरबीआई के अधिकारों का हनन कर रहा है मनुवाद में घोटाला के लिए कि आप ये बनाए हुए नियमों का कानून में घोटाला हो रहा है कैसे देश में आर्थिक सुधार आएगा? एके मिश्रा जी ऐतिहासिक घोटाले की ओर ही है आपको आ जाएंगे अरे मनुवाद जैसे ईमानदार सबके विरोधी है अच्छा घोटाले के बाद घोटाले हो रहे हैं ठीक है पहुंचिए एक मिनट दे दीजिएगा दोनों मेरे पत्रकार मित्र वरिष्ठ पत्रकार देखिए पत्रकारों की बात होती है बीच में बोलते नहीं है लेकिन आप जैसे लोग जो सियासी लोग होते हैं वो लोग बोलने भी नहीं देते हैं अभी तक इंतजार कर रहे बोलने दीजिए उनको भी अपनी बात रखने दीजिए थोड़ा सा जिस तरीके से हम लोग चर्चा के बीच में ये इस तरह की बहस में चले जाते हैं ना तू मैं वाली बहस में इसमें नहीं जाना चाहिए सर प्लीज। आगे बढ़ते हैं शकील चौधरी जी के पास हम जाते हैं अजय जी के पास जाना चाह रहा था लेकिन चौधरी जी के पास जाते हैं। चौधरी जी जिस तरीके से ये बहस अभी तक घूम रही है हम ये जानना चाह रहे थे ये कंपनियां फल फूल रही हैं या इन्हें सहयोग दिया जा रहा है संरक्षण दिया जा रहा है तमाम ऐसे लोग आपके शहर आपकी गली में होते हैं लेकिन उन सब के बावजूद चाहे वो नौकरशाह हो चाहे पुलिस का अधिकारी हो चाहे वो नेता हो कई नेता भी ऐसे चुंगुल में फंस जाते हैं लेकिन उन सब के बावजूद आपको क्या लगा कांग्रेस को आपने सुना बीजेपी को आपने सुना बसपा को आपने सुना? देखिए 70 सालों में 70 से भी ज्यादा अनगिनत घोटाले हुए हर सरकार में हुए मुलायम सरकार में हुए अखिलेश सरकार में हुए मायावती सरकार में हुए जी। सबका डाटा मेरे पास है मैं किसी को यहाँ पर जो है किसी को जो है जलील करने के लिए नहीं बैठा हूँ बताना चाहता हूँ मैं अब आगे ऐसा घोटाला ना हो उस पर सरकार को मौजूदा सरकार को जो है
कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर कोई कंपनी खोल रहा है उसकी पहली तो जो है जांच पड़ताल सही तरीके से होनी चाहिए, बाकायदा उससे जो है डिपॉजिट के रूप में एक इतनी राशि ले ली जाए ताकि वो घपला करने से पहले ये 100 बार सोचे कि अगर मैंने कोई घपला किया तो मेरे को इसकी बहुत आर्थिक नुकसान होगा, तो मैं घपला करने से डरूंगा, बचूंगा। ये हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी को जो है अपने एफिडेविट के तौर पे रख ले सरकार। यानी कि सीधी सी बात है कि बैंकों को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि नित नए ऐसे जो है नए उपाय लाने चाहिए ताकि ऐसे आर्थिक आतंकवादी कोई भी जो है घटना करने से पहले। कानून बना सर, जिस कानून को नया रूप दिया गया उस कानून के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो कमजोर है? उसका डर क्यों नहीं है? उस कानून के अंदर ये चीजें नहीं आती हैं? मैं कानून के बारे में जब पढ़ रहा था उसमें वन बाय वन सारी चीजें लिखी गई हैं जो आप कह रहे हैं उस कानून के अंदर हैं, यानी कि फॉलो नहीं हो रहा है। नहीं देखिए सर, कानून को कौन मान रहा है इसमें? देखिए सर, बहुत बड़ी बात कही धर्मवीर चौधरी साहब ने, कानून को कौन मान रहा है इस देश के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चिंता है। जब अगर कानून सिर्फ बन जाए लेकिन लोग मानना ना चाहते हों या मनवाना ना चाहते हों या उसका पालन ना करवाना चाहते हों, वो बॉडी कौन सी है? वो बॉडी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। वो लोग जो लोग होते हैं जो कि जो ग्रास रूट लेवल पर या जो एक सिस्टम से जब दूर रूबरू होते हैं, चाहे वो पुलिस चौकी थाना हो या छोटे से शहर का कोई विकास प्राधिकरण का दफ्तर हो या छोटा सा कोई भी दफ्तर हो जहां जाकर सरकारी मुलाजिम से बातचीत होती है, मुलाकात होती है, वहां उसके जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो जानते हैं कि कानून कितना लचीला है, इसके लूपहोल्स क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे तरोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां से कानून के साथ एक खिलवाड़ शुरू होता है। हम पेपर पर बहुत अच्छा कानून बना सकते हैं, हम उसको लेकिन जब एग्जीक्यूट करने उतरते हैं तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वही बताते हैं इससे बचा कैसे जाएगा, इससे खेला कैसे जाएगा, इसका लाभ कैसे उठाया जाएगा। वहीं पर हमें समझने की जरूरत है, वहीं पर हमें बदलाव की जरूरत है। जैसे अभी टैक्सेशन की बात आई, या जो एक सीए बैठता है वो जानता है कि कैसे खेला जाएगा, कैसे बचा जाएगा, कैसे आप पैसे को यहाँ से वहाँ लगाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे बचाएंगे। तो ये जो सिस्टम है वो कानून तभी काम कर पाएगा जब सिस्टम चाहेगा। सिस्टम मतलब पुलिस चौकी अधिकारी, थाना दफ्तर जो लोग होते हैं वही करेंगे, और जो लोकल बॉडी के जो लोग नेता हैं जो काम करते हैं वो इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, और कहीं ना कहीं एक इच्छा हो जाती है भाई ठीक है आप जब इलेक्शन होगा तो आप थोड़ा पार्टी फंड में कुछ दे दीजिएगा। तो ये संरक्षण है छोटे छोटे स्तर पर, यही कहते ना बूंद बूंद से सागर गागर भर जाती है, वही चीज हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। पवन जी, बीजेपी के बड़े बड़े मुख्यालय बन गए इस चंदे से, तो नंबर दो के पैसे से ब्लैक लीजिए। मैं इस पे ये बताना चाहूंगा, ये मामला कुछ और है, बीजेपी कांग्रेस बसपा है ही नहीं। यहाँ तो हर जगह घपला है, हर चीज में बीजेपी कांग्रेस बीएसपी सभा करना जरूरी नहीं होता सर। पंकज जी, इसमें ना मुझे एक डायलॉग याद आता है फिल्म का, कि अगर पुलिस वाले चाहें तो एक मंदिर के सामने से चोर एक चप्पल भी नहीं उठा सकता। बिल्कुल सही बात है जी। तो इसका मतलब तो दुकान भी नहीं खुल सकती। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब अगर इस तरह के घोटाले होते हैं पब्लिक इनलार्ज में जी, तो वहां पर सबको पता रहता है। जैसे मैं आपको रिसेंटली एक घोटाले के बारे में बताऊं आपको, जैसे अभी ये आपका हरियाणा में अभी एक साल पहले घोटाला हुआ है, तो वहां एक कंपनी थी सोलरवे, उसने कहा कि सब हमारे पास आप इन्वेस्टमेंट करिए और हम आपसे 40,000 रुपए लेंगे या 50,000 रुपए लेंगे और लेकर के फिर आपको किश्तों में 1,50,000 रुपया देंगे जी। घोटाला हो जाता है। खट्टर सरकार को जब उसकी कंप्लेंट करी, क्योंकि मैं भी मेरे पास भी 2-3 ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने आके मुझसे बोला कि साहब उसमें केस करना है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने भी कंप्लेंट करी, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी आप सुन के हैरत में आ जाएंगे कि 6 महीने तक खट्टर सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार खराब थी, लेकिन सिस्टम आप देखिए, सिस्टम कितना खराब है सरकारों में कि वहां 6 महीने तक कार्रवाई नहीं होती है और वो 6 महीने के बाद बंदा वहां से भाग जाता है जी। जैसे ही वो एस्केपिंग होती है उसके बाद में उसको ढूंढना शुरू करते हैं लोग, वो लोग जिनका पैसा फंसा था जी। उसके बाद में ईडी में जाकर के उसकी सूचना दी जाती है, FIR दर्ज होती है। अभी तक वो बंदा हरियाणा में गिरफ्तार नहीं हुआ जी। उसके पहले हमने देखा कि यहाँ पर भी नोएडा में खट्टर साहब की गोद बोट बाइक करके एक कंपनी थी। देखिए सरकार की बात करें, सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उसको लेकिन जांच करेगा कौन? सिस्टम में बैठा हुआ अधिकारी यदि वही भ्रष्ट है तो सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सरकार आप जब एक दूसरे पर पोल खोलते रहते हैं, दूसरे की बात करते रहते हैं, कौन सिस्टम पर सिस्टम के पेच कसेगा? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर शाह अगर काम नहीं कर रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, ये जानकारी
हर्षद मेहता घोटाला भी हुआ था देश के अंदर। और देखिए अभी जो है डीएलएफ घोटाला भी सामने था, अभी कौन देख लीजिए, अभी पीएफ घोटाला है उत्तर प्रदेश का, पीएफ का पैसा खा योगी सरकार में खुलासा हुआ है, लेकिन उसकी नींव कब रखी गई वो भी अगर उठाकर पढ़ लें आपको पता चल जाएगा। अगर पैसा राज्य सरकारों से कहा, अगर बंगाल में कोई कंपनी रजिस्टर करवा के यूपी में अगर फ्रॉड करती है तो उसकी कहीं ना कहीं अलग पैरामीटर्स होंगे। नहीं हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि 2019 में जो नया कानून बना है तो काला धन कौन करेगा? इन्होंने हमारे गाड़ी कमाई का सफेद धन भी अभी जब रॉबर्ट वाड्रा जेल के अंदर आएंगे तो काला और सफेद सब हम जो है आप लोगों का रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पार्टियों के सजा है और जेल में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इस देश के घोटाले वालों का संरक्षण देने का टाइम नहीं है, ऐसे बहस नहीं होती करके जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने लूटने का, अरे बहस नहीं होती है। बंदर होंगे तो सबका सब निकल के आएगा, काला भी निकलेगा और सफेद भी निकलेगा। अगर अगर जी सर रास्ता निकालने की जरूरत है ना कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। आज यही दिनेश जी, दिनेश जी यही एक चीज है जो सियासी प्रवक्ताओं को और कोई जानकारी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश का आम आदमी लूट रहा है, भोला भोला आदमी लूट रहा है, ऐसी फर्जी कंपनियां बन जाती हैं। कहने को तो कानून इतना सख्त है कि एक दुकान भी आप नहीं खोल सकते बिना प्रशासन की इजाजत के, बिना आपको सब नियम कायदों को फॉलो करना होगा। आपको क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसमें चाहिए वो आपको मेंशन करना होगा, उसके बाद आप किसी दुकान को खोल सकते हैं। लेकिन इन सबसे इतर आपके शहर में और आपके अगल बगल ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां जरूर होंगी। कोई कंपनी आपको फोन करके ये बोल रही होगी कि आपका पैसा रातों रात दोगुना हो जाएगा, कोई कह रहा होगा हम 15% ब्याज देते हैं। इस तरह से कभी भी बहकाव में मत आइए, नियम कायदों को जानिए, जानिए कि रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं। निवेश करने से पहले थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।